body shake it, baby. Hi friends, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. सावन का महीना अपने साथ एक अलग ही खुशी लेकर आता है. इसी मौसम में आती है हरियाली तीज. महिलाएं सावन के महीने में आने वाली तीज पर अपनी सहेलियां के साथ पार्टी करती है. ये काफ़ी मस्ती भरा और यादगार होता है. द लेडीज ऑफ आवर अपार्टमेंट ऑल्सो सेलिब्रेटेड तीज विद ग्रेट एंथुजियाज्म. सारे लेडीज़ ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आए हैं, साथ में सब मैचिंग ऑर्नामेंट्स और ग्रीन बैंगल्स भी पहने हैं. ग्रीन इज़ द सिग्निफिकेंट कलर ऑफ दिस फेस्टिवल. कुछ लेडीज़ साथ में बच्चे भी लाए हैं. क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था इसलिए अपार्टमेंट के ऑडिटोरियम हॉल में इसको अरेंज किया गया है. बहुत सारे लेडीज़ मेहंदी भी लगाए हैं. It's not only enhances their appearances but also serves as shagun. Hariyali Teej generally Rajasthan aur Central India mein manaya jata hai, par aaj ke date mein to India ki sare pradesh ki mahilaen isko manate hain. Bahut sare games bhi hum log khele, kuch competition bhi tha jaise shola shringar, ramp walk, tambola etc. According to Indian mythology, Shola Shringar signifies the 16 phases of the moon. Bindi, Sindur, Mang Tika, Kajal, Nose Ring, Earring, Necklace or Haar, Mehendi, Bajuband, Bangles or Churi, Haat Phool or Ring, waistband or Kamarband, Anklets or Payal, टोरिंग रिंग और बिछिया, गजरा एंड ब्राइडल आउटफिट, ये सब शोला श्रृंगार में आता है. हम लोगों के बीच में जो दो सबसे सीनियर लेडीज़ थे उन्हीं दोनों को हम लोग जज बनाए हैं. हर एक कंटेस्टेंट उनके पास जाके अपना श्रृंगार को दिखाए, जजेस काउंट किए 16 श्रृंगार में कितने श्रृंगार को वो फॉलो किए हैं और सारे लेडीज़ का ओवरऑल लुक को भी जज करके सबको पॉइंट्स दिए. सारे लेडीज़ बहुत ही ग्रेसफुल दिख रहे थे.
बहुत टेस्टी स्नैक्स का भी अरेंज किया गया था, तो हम लोग स्नैक्स खाए और बाद में तंबोला खेले और थोड़ा डांस भी किए। इस तरह से हम लोग बहुत ही जोश और उत्साह के साथ हरियाली तीज को सेलिब्रेट किए। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।